ये राहुल गांधी ये बाहर जाकर बोल रहे हैं कि देश में सिख समेत 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं, लगता है कि सिख कम्युनिटी जो है वो असहज है। देखिए वो असहज हम कांग्रेस के समय में थे, 1984 का घाव दिया हमें मारा, सरकारी अटैक हुआ था। अच्छा आप एक बताइए, एक सरकारी अटैक हुआ था, सरकारी अटैक हुआ था। अच्छा आप एक बात बताइए, जिस घर में हम रहते हैं जो हमारे माता पिता है वही हमें मारना शुरू करेगा, जो हमारा भगवान है वो हमारे हमको जिंदा जलाना शुरू कर देगा, तो हम अपने आप को कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? आज हमारे बच्चे जो विदेश में जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कैलिफोर्निया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन, वो शौक से नहीं जा रहा है। हम अपने बच्चों को शौक से नहीं भेज रहे हैं बाहर विदेश, क्यों भेज रहे हैं पता है? हमें अपने सरकार पर भरोसा नहीं है। क्यों? एक कहावत है हमारे गाँव में कि दूध का छला जो है ना, दूध का जला, दूध से जब गर्म गर्म दूध से जब मुँह जल जाता है ना, तो हम छाछ को भी ना फूक फूक के पीते हैं। तो हम सरकार पर बहुत मैंने हिसाब से विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को कनाडा भेजते हैं। 9 साल में हो गए विकास नहीं हुआ देश में, विकास का नाम बात वो तो मैं बता रहा हूँ ना, आप जो बोले जो क्वेश्चन किए मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। जो राहुल गांधी जो है ना उनकी टीम वो कांग्रेस पार्टी हमें 1984 का घाव दिए, हमारे सीने पे जख्म किए, हरिमंदर साहिब पर अटैक किए, और वो 1984 को हम कभी नहीं भूल सकते। छोटे छोटे बच्चे को जिंदा जला दिया गया, 1 लाख से ऊपर सरदार सिखों को जान से मारा गया, निर्दोष सिखों को कत्लेआम किया गया। यही राजीव गांधी विदेश में जा करके फोन से और टेकल कर रहे थे और यहाँ का लोगों को निर्दोष जिंदा जलवा रहे थे, निर्दोष सरदारों को मार रहे थे। ए सरदार यहाँ गाड़ी क्यों लगाया, अभी तरह गाड़ी नोच लेंगे, ऐसे बोलते थे। उस समय क्या हालत थी, डर के मारे सरदार अपना केस कटा लिए, केस कत्ल करवा दिए। ये था कांग्रेस, और हम कांग्रेस को दोबारा वोट दे करके अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे। क्या लगता है, क्या कहते हैं ग्रह दशा, क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे असल प्रधानमंत्री? कौन कौन कौन? अरे मोदी जी तो बनेंगे, आपने ग्रह दशा उठा दिया, बहुत सही बात उठाई। मोदी जी की जन्म तारीख 17 तारीख है, 7 और 1 8 हो गया, 2024 से रोल करोगे नंबर 8 पे आता है, मोदी जी के लग गए नंबर 8 है, तो अब बनने ही वाले हैं। और जान के हैरानी होगी अब कि जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है उनका स्वामी कौन है? सूर्य है। उनका मूलांक 1 है, और मूलांक 1 का दुश्मन कौन? 8 नंबर, एंटी नंबर 8 नंबर। तो उनका शुभ है अगले साल नहीं आने वाले, किसी कीमत पर नहीं आने वाले एज पर एस्ट्रोलॉजी। कौन नहीं आने वाले? अरे कौन, पप्पू गांधी और कौन? ठीक है पप्पू गांधी और हाड़ा ने, लेकिन चेहरे तो बहुत सारे ना वहाँ पर, केजरीवाल भी हैं, बनर्जी भी हैं। अरे सर काम के आधार पे होता है, अगर आपके कैमरामैन साहब ढंग से कैमरा नहीं पकड़ेंगे तो उसे अगली नौकरी से बाहर निकाल दोगे। हमने 28 जल वालों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है, कुछ अभी लगे हुए हैं नौकरी पे, लेकिन उनका इस्तीफा बहुत जल्दी हम लोग लेने वाले हैं, किसी कीमत पर नहीं आने वाले। मोदी जी के अलावा कोई आई नहीं पाएगा। राहुल गांधी बाहर जाकर तो बड़ी ये वाली बात बोल रहे हैं कि देश में 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे कुत्ते कितने भौंकते हैं, इस प्रकार से कुत्ते कितने भौंकते हैं, जो अपने देश की बुराई करता है, जो अपने अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकता, उसे क्या कहता है? मौत का सौदागर कहता है, ठीक है, उसको रावण कहता है। उसे कर्म तो देखो, तुम उनके कर्म तो देखो, जाके गुजरात में जाके देखो, मोदी जी ने गुजरात को किस प्रकार से डेवलपमेंट किया है। ये डूब के मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में। केजरीवाल जैसे लोग भी 7 साल से चिल्ला रहा है कि मैं यमुना साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा। अरे सुलोचन को सूंघने वाले, सुलोचन का तेरा नशा खत्म होता नहीं है। ये आदमी जो है एक बार गुजरात जाके देख के आए, क्या साबरमती इतनी खूबसूरत है, और इस 7 साल से नहीं ठीक कर पाया, तो इन्होंने कुछ कर्म ही नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बकवासबाजी करी है। तुम लोग नहीं आने वाले, यमुना का तो रंग ही काला है भाई साहब, यमुना का रंग काला है, लेकिन साबरमती का रंग जाके देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मेरे पास वीडियो है वहाँ का। ठीक है भाई साहब, कुल्हाड़ी मारने के कांग्रेस का वोट देखे इस बार? वो तो समय बताएगा भाई। देखो टिकट पहन रखी अपने भारत जोड़ो यात्रा की, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र कुछ भी पहन सकते हैं। सपोर्ट किसे कर रहे हैं, कांग्रेस को? कांग्रेस को। हाँ हाँ, एक बात बताइए, टी शर्ट पे लिखा क्या है आपकी, जरा हम पढ़ लें। हाँ क्यों नहीं पढ़ो, ये भारत जोड़ो यात्रा है, और अभी दोबारा दूसरा पार्ट चलेगा 2 अक्टूबर से। एक बात बताइए, आप भी भारत के रहने वाले हैं, हम भी भारत के रहने वाले हैं, भारत तोड़ा किसने था? ये एक जगाने का काम हो रहा, तोड़ा नहीं है किसी। आपके ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जवाहर ने मिलके जिन्ना के साथ में बांट दिया देश को। देखो ऐसा है, कोई कुछ भी कहे, जो सच्चाई है, जो 70 साल में काम हुए हैं वो ही 9 साल में तोड़ा हुआ है। क्या काम? अरे जितनी रेल थी, जहाज से जितना विकास था, 2014 से पहले कितने एयरपोर्ट थे बताइए? कम से कम पूरे देश में ना जो काम हुआ ना,
एयरपोर्ट बताइए, कहाँ बताइए, कितने एयरपोर्ट थे? आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे ना, कितने एयरपोर्ट थे 2 साल से पहले बताइए? एयरपोर्ट उस टाइम थी जाए ना, अब डबल हुए होंगे ना। कितने एयरपोर्ट थे ये बताइए, आपको पता ही नहीं है ना? मुझे पता नहीं, किलोमीटर सड़क बनी थी पहले 2 साल से पहले बताइए? मैं मुझे पता नहीं है। क्यों आप भारत जोड़ने निकले हैं? आप थोड़ा किसने था, आप ये बता रहे हैं? बता रहा हूँ, ये भारत जोड़ रहे हैं, ये कैसे भारत जोड़ रहे हैं? ये जिहादियों को, आतंकवादियों को, ये उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते। कैसे? कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये लोग वैसे जोड़ रहे हैं, अब ये फिर जोड़ने निकले हैं ये, क्योंकि देश में ये आतंकवादी गलती करवाएंगे। ये देखिए मेरी बात सुनो, इनकी सत्ता है, ये मुंह छूट हो रहे हैं, जो मर्जी इनका दिमाग मारे वो भौंक रहे हैं। तथ्य बोले, आंकड़े बोले, बाप बेटे बिल में भार नहीं है क्या? क्या चारा घोटाला नहीं हुआ था? क्या मुलायम सिंह यादव ने संतों पे गोली चलाई थी? ये सब देखो, आंकड़े पे बात नहीं करेंगे, आंकड़े पे ये बात नहीं करेंगे। जो चोर उचक्के पार्टी है उसके बारे में तथ्य दे रहा हूँ, ये नहीं करेंगे बात, करके दिखाए ना। एक नाम बताइए आप, जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है उनमें से? ये अभी कोई नहीं बताएगा, ना बताएंगे। राहुल गांधी नहीं बन सकते? अभी कोई नहीं बताएगा। हाँ, अभी कोई नहीं बताएगा। आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, कोई 5 काम गिनाइए इंदिरा गांधी के जो अच्छे करें। सारा देश इंदिरा गांधी का और कांग्रेस का है ये। आज काम बताइए तो सारे 5 काम, जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगा दी, नसबंदी करवा दी, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगा दी देश में, और कितने इससे बढ़िया और क्या काम होंगे? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कराया सभी एजेंट, बाकी बचे कुछ 84 में सिखों को जो है ना नरसंहार करा दिया, और इससे अच्छे काम क्या होंगे? यही तो उसी इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। अरे सब बकवास है, और दूसरों लोगों ने कराया, इनका काम कर रहे हैं आप, बाकी बकवास कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है इसको, सिखों का नरसंहार हुआ था। ऐसा है, आप पत्रकार महोदय, आज ही इन्होंने 14 पत्रकारों को बैन किया है ना? क्यों? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पत्रकार, आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अगले साल? कौन? राहुल गांधी। अरे जेल में जाएगा वो। जब राजीव गांधी चुनाव लड़े थे 1985 में, कितनी सीट थी इनकी? कितनी थी आपको पता होगा? 413 कुछ सीट ऐसी कुछ थी, 400 से अबव थी, हैं? आज कितनी है इनके पास में? ये 50-55 पे आ गए, 52-53 सीटें इनकी। 2024 में 50 भी नहीं मिलने वाली है इनको, वोट शेयर कम होने वाला है 100%। ऐसा क्यों? देख नहीं रहे? पत्रकार बात ने पूछे, विदेशों में जाकर के तुम देश की जो है ना बुराई करोगे, और यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं, ये मुस्लिम है, टोपी लगा के खड़े हैं, क्या ये यहाँ पे असुरक्षित है? असुरक्षित है आप? मैं तो अभी सुरक्षित ही हूँ। और इनके राहुल गांधी ये खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ इस भारत के अंदर, और राहुल गांधी क्या बोलते विदेश में जाकर के? क्या बोलते? क्या अल्पसंख्यक? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, वो यही बोल रहे हैं, या गेम और मीटिंग हो गए, सारे लोग भगत बने हुए, जिनको कहते हैं अंधभक्त, वो कह रहे हैं कि ये जय श्री राम कहो और ये फलाना कहो, अंधभक्त बोल रहे हैं भाई। राहुल गांधी क्या बोले जाकर के? क्या रहे भारत के अंदर श्री राम हिंदू का नारा है तो वो हम, आप बोलो, हमने कब मना करा है? पर हम भी बोल रहे हैं ना, आप बोलो ना, हमने कब मना करा? आप माइक में रोज चिल्लाते हो के अजान चिल्लाते हो, हम मना करते हैं क्या आपको? हमारा हक है, मैं हिंदू हूँ। मुसलमानों को टारगेट करो, तुम तो अभी बोल रहे हो मैं हिंदू, मैं जय श्री राम बोलूंगा, मुझे गर्व है मैं हिंदू। सुनो, अब बात वही आ जाती है ना, ये I.N.D जो भी है, कहने का मतलब ये जो कितनी 28-26 जो भी जो है ना, जो भी इकट्ठे हुए, और 50 इकट्ठे हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? 2024 में मोदी आएगा और आके रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके कारनामे ही ऐसे कारना, आज दिन तक इनको 3 महीना हो गए, आज दिन तक इनकी ना तो सीट शेयरिंग हो पाई अभी तक, ना ये प्रधानमंत्री का चेहरा, अरे ये बिना दूल्हा की बना, राहुल गांधी बनेंगे, मैं बोल रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे, बोले कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ही बोलते, बोल तो रहे हैं, हम कह रहे कांग्रेस का भूपेश बघेल बोल चुके हैं भाई साहब, कांग्रेस का प्रवक्ता या कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर क्यों नहीं अनाउंसमेंट करता है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कांग्रेस के, उन्हें कौन पूछ रहा है? मुख्यमंत्री है भाई साहब, कौन पूछ रहा है उन्हें? भूपेश बघेल और गहलोत बोल चुके हैं। अरे तो क्या जल्दी आ रही है यार, वो तो टाइम आने वाला है, जब आ जाएगा तो सामने आ जाएगी बात। अरे सुनो, सामने आ जाएगी ना, जंगल होता है, जंगल देखा है? जंगल होता है, जंगल में झुंड में कौन रहता है? कौन रहता है बताओ? तुम तो पत्रकार हो, कुत्ते। और शेर अकेला,
एक घाट पे एक तरफ अगर शेर पानी पी रहा हो और बाकी एक दूसरे घाट में सामने पी रहे हो तो समझ लो कि शेर दहाड़ रहा है।